एक तरफ देश को नए संसद भवन की सौगात मिल रही थी, बेहद खूबसूरत तस्वीरें सामने आ रही थीं, तो वहीं दूसरी तरफ जंतर मंतर पर धरने पर बैठे पहलवानों का सबसे रौद्र रूप भी दिखाई दिया। इन पहलवानों ने नई संसद की तरफ कूच किया, जिसके बाद पुलिस बल ने उन्हें रोक दिया। इस दौरान हिंसा को बढ़ावा दे रहे कुछ प्रदर्शनकारियों को पुलिस ने हिरासत में भी लिया है। सामने आए पहलवानों की इन तस्वीरों और वीडियोज ने सभी को हैरान किया। इतना ही नहीं, अब पहलवानों के आंदोलन पर सवाल उठने लगे हैं कि आखिर किस मंशा से आज ही का दिन इस बड़े बवाल के लिए चुना गया। अब देखिए, इसमें कोई दो राय नहीं कि 28 मई का दिन हर एक देशवासी के लिए काफी खास रहा। लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर का देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उद्घाटन किया। हर तरफ नए संसद के वीडियोज ही नजर आ रहे थे, हर तरफ इसी की चर्चा हो रही थी। लेकिन इसी बीच धरने पर बैठे पहलवानों का आंदोलन पिछले कुछ दिनों के मुकाबले अचानक से उग्र हो गया। इन सभी ने नए संसद की तरफ कूच करना शुरू कर दिया, नारेबाजी होने लगी। हालांकि दिल्ली पुलिस को पहले से ही इस बात का आभास था, लिहाजा अतिरिक्त पुलिस बल चप्पे चप्पे पर तैनात था। लिहाजा सभी प्रदर्शनकारियों को संसद भवन जाने वाले रास्ते पर रोक दिया गया। बीजेपी सांसद ब्रजभूषण शरण सिंह के विरोध में पहलवानों ने दिल्ली में महिला सम्मान महापंचायत का आगाज किया था, लेकिन इस दौरान कुछ ज्यादा ही हो हल्ला हुआ, जिसके बाद पुलिस को प्रदर्शनकारियों को आगे बढ़ने से रोकना पड़ा। पहलवानों के जो वीडियो सामने आए हैं वो बेहद परेशान और विचलित कर देने वाले हैं। जरा आप भी देखिए किस तरह से पुलिस और पहलवान आपस में उलझ रहे हैं। हेलो, कहाँ से बोल रहे हैं? बाद में फोन कर यार, लगाना है। एक मिनट, तो देखा आपने आज ही के दिन को, जहां एक तरफ नए संसद के लिए याद किया जाएगा तो वहीं दूसरी तरफ पहलवानों के साथ साथ पुलिस के इस संघर्ष को भी याद रखा जाएगा। अब आप इस खबर पर क्या राय रखते हैं और ऐसे हालातों के लिए किसे जिम्मेदार मानते हैं, कमेंट करके जरूर बताएं। पत्मा बंधर में दरद और दराम, सब कुछ नागरिक है।